अष्टम क्लास के प्यारे भैया बहन, आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन भी सिखा रहा हूँ और इस क्वेश्चन को कितने प्रकार से पूछा जा सकता है ये भी बता रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। सबसे पहले तो इससे पूछा जा सकता है कि व्हिच टाइप ऑफ दिस इक्वेशन इज, यानी कि ये इक्वेशन किस प्रकार का है। तो योर आंसर इन वन वर्ड विल बी दिस इज लीनियर इक्वेशन, मीन्स लीनियर इक्वेशन एक आंसर हो गया वन वर्ड क्वेश्चन। अगर इसी को डॉट डॉट में पूछा जाए, मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स, तो उसमें क्या पूछा जाएगा कि सोल्यूशन ऑफ इतना इज डॉट डॉट डॉट, तब क्या करेंगे भाई, इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। 7x इज इक्वल टू 16+9, 7x इज इक्वल टू 25 और x इज इक्वल टू 25/7, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो डॉट डॉट जहां रहेगा वहां 25/7 भर देंगे। इसी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है कि चार ऑप्शन दे दिए जाएं और कहा जाएगा कि उस चारों ऑप्शन में से कौन सा सॉल्यूशन इसका है। जैसे 25/7 दिया गया, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ट्रू और फॉल्स। कैसे हम लोग ट्रू और फॉल्स करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, LHS में ले लेंगे 7x-9 और इसमें x का जो वैल्यू दिया रहेगा सॉल्यूशन वहीं पुट करेंगे, 7 × 25/7-9, 7 कैंसिल, 25-9 दैट इज 16। देखिए 16 आ गया, RHS आ गया। अगर RHS आ गया तो लिखेंगे यस दिस इज सॉल्यूशन, अगर नहीं आया तो नो इट इज नॉट सॉल्यूशन। इस प्रकार इसको एक ही क्वेश्चन को तीन चार टाइप का पूछा जाएगा तो क्या क्या आंसर देंगे मैंने आपको बता दिया, और ऐसे ही कुछ और अभ्यास करेंगे आप लोग फिर अगले अंक में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।